हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है मानसिंह राठौर और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी डीमैट अकाउंट को एक साल तक ओपन नहीं करते हैं या फिर कोई भी उसमें एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है और इनएक्टिव अकाउंट को डीमैट अकाउंट में डोरमेंट अकाउंट बोला जाता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी डोरमेंट अकाउंट हो गया है तो आप उसको किस तरीके से रीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसका एक प्रोसेस है कि अगर आपका अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो आप उसको द्वारा से रीएक्टिवेट कर सकती हैं अगर आपको उस एप्लीकेशन के थ्रू ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। तो ऐसे ही मेरा अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट है तो वो डोरमेंट अकाउंट हो गया था, तो अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि मैंने उसको रीएक्टिवेट करने के लिए क्या प्रोसेस किया। अगर आपका भी हो गया है तो सेम आपको भी प्रोसेस करना है और कुछ ही घंटों में आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपस्टॉक एप्लीकेशन ओपन करना है और इसमें आपको लॉगिन डिटेल डालनी है, तो आप लॉगिन हो जाओगे। जब आप इसमें लॉगिन हो जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से इसका होम पेज देखने के लिए मिलेगा। अब या तो आप अकाउंट पर क्लिक करें या फिर ऊपर की साइड आप प्रोफाइल पर क्लिक करें। आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, बताया जाएगा कि आपका अकाउंट डोरमेंट है, अभी आपको रीएक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, रीएक्टिवेट करने के लिए आई एग्री टू रीएक्टिवेट द डोरमेंट अकाउंट और इसके सामने जो गोल आ रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको टिक करना है। उसके बाद आपको रीएक्टिवेट पर क्लिक करना है। जब आप रीएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद इस तरीके से आएगा कि अकाउंट रीएक्टिवेट अभी अंडर प्रोसेस है और इसको 48 घंटे का टाइम लगेगा, तो ये द्वारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा। आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इसको फिर से 12 महीने यूज नहीं करते हैं तो यह अकाउंट फिर से इनएक्टिव हो जाएगा, फिर ये आपका डोरमेंट अकाउंट हो जाएगा, फिर से आपको रीएक्टिवेट करना होगा। तो दोस्तों, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, इसी तरीके से आप अपना भी डोरमेंट अकाउंट को रीएक्टिवेट कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।